वेलकम है आप सबको मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर लाइफ इज़ ब्यूटीफुल शालूस किचन पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ बहुत ही सिंपल सा और आसान तरीके से एक समोसा की रेसिपी। तो इसके लिए हमें चाहिए 4 पोटैटो बॉईल किया हुआ और आधा बाउल मैंने यहाँ पर लिया है ग्रीन पीस, और अदरक और हरी मिर्च हमें चाहिए 1-1 टीस्पून, और फिर हमें चाहिए मैगी मैजिक मसाला 1 पैकेट, और हमें चाहिए जीरा। जीरा को मैंने रोस्ट कर लिया था, उसको मैंने 1 टीस्पून क्रश करके ले लिया है, और 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर मिक्सर जार में अच्छे से फाइन पाउडर करके रख दिया है। तो अभी हम इसको साइड पर रख देंगे। अभी हम समोसे का डो रेडी करने जा रहे हैं, तो चलिए समोसे की डो रेडी कर लेंगे, उसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। तो मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है, अभी मैं इस पर ऐड कर रही हूँ 3 कप मैदा। तो आप आटे से भी बना सकते हैं, तो मैं यहाँ पर आज मैदे से बना रही हूँ। और स्वादानुसार नमक ऐड कर लेंगे, और 1 पिंच हमें सोडा पाउडर भी ऐड कर लेना है ताकि थोड़ा सॉफ्ट बने हमारी डो। और ऑयल भी ऐड कर लेंगे हमें इस पर, 1 टेबलस्पून ऑयल भी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आज मेरे साथ आज किचन में है मेरी हस्बैंड, तो आज मुझे मेरी हस्बैंड आज हेल्प करेंगे मुझे इस आटा गूंध कर देने के लिए। तो मुझे इस थोड़ा ताकत लगाने के लिए, हमसे नहीं होते हैं इसके लिए, मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, तो वो मुझे अच्छे से ये जो समोसे की डो अच्छे से रेडी करके दिया है। तो देखिए, जैसे हम चपाती के जो डो बनाते हैं उसी तरह रेडी करना है, तो इसी तरह हमें अच्छे से डो रेडी किया है। अभी हम इसे ढक कर रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो चलिए अभी इसका फिलिंग हमें रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने कढ़ाई रख दिया है, ऑयल ऐड कर लेंगे, 2 टेबलस्पून ऑयल मैंने ऐड किया है, और जीरा ऐड कर लेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, और मैंने यहाँ पर जो क्रश करके रखा था ना जो जीरा की पाउडर वो भी ऐड किया है। साथ ही साथ हमें इस पर बाकी जो इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर लेंगे। तो अभी मैं इस पर हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। तो आपकी मनपसंद की जो मसालास आप इस पर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ये वैरायटी रेसिपी अपने घर पर ट्राई करके देखा था, तो सबको अच्छा लगा, तो मैंने वीडियो भी शूट किया था, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अदरक भी ऐड कर लेंगे, और जो ग्रीन पीस है तो मैंने फ्रोजन ग्रीन पीस भी ऐड किया है, जल्दी से रेडी हो जाएंगे, फ्रोजन है इसके लिए। तो इसे भी डालकर अच्छे से मिला देंगे। पोटैटो को हमें बॉईल करके पहले से स्मैश करके रख देना है, तो मसाला जल्दी से रेडी हो जाएंगे, तो समोसा भी फटाफट से हम बना सकते हैं। तो अभी हम इस पर ऐड कर लेंगे जो स्मैश किया हुआ पोटैटोस, और अच्छे से हमें इसे मिक्स कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपीज आप सब ज़रूर ट्राई करना, और अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को ज़रूर शेयर भी कर देना, और मेरे जो पहले के जो वीडियो सब है आप सब ज़रूर देखना, और इसमें से आपको कौन सी वीडियोस अच्छे लगा वो भी ज़रूर मुझे बताइएगा। तो देखिए, अभी हम इस पर ऐड कर लेंगे हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर लेंगे आपकी टिका के अनुसार 2 टीस्पून, और धनिया पाउडर भी ऐड कर लेंगे 2 टीस्पून तक धनिया पाउडर भी ऐड कर लेंगे। साथ ही साथ हमें गरम मसाला भी ऐड करना है, और अच्छे से हमें इसे मिक्स कर देंगे। तो हींग ऐड कर लेंगे, 1 पिंच हींग हमें ऐड करना है, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। स्वादानुसार नमक भी ऐड करना है, और मैगी मैजिक मसाला है उस बहुत ही टेस्टी बनता है, तो वो मसाला भी मैंने इस पर ऐड किया है। और सारे मसाला डालकर इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है, लो फ्लेम पर रखकर अच्छे से मिक्स कर देना है। तो लास्ट में हमारे जो गरम मसाला मैंने वो भी ऐड किया है, जो आपको मसाला कम पड़े तो आप वापस डाल सकते हैं, जितना आपको चाहिए उसी हिसाब से। तो तिक्का भी आपकी आपके ऊपर डिपेंड है फ्रेंड्स, जितना आपको तिक्का चाहिए उसी हिसाब से ऐड कीजिएगा। तो फिलिंग यहाँ पर रेडी हो चुका है, बहुत ही बढ़िया फिलिंग रेडी हो चुका है। अभी हम इसे ढक कर रखेंगे, तो अभी हम समोसा की रोल उसे बनाएंगे। तो चलिए, मैं फर्स्ट टाइम इसे बनाई थी, तो
कुछ कुछ तो हमें प्रॉब्लम्स होते हैं, तो मैंने बहुत बार ट्राई किया, तो ट्राई करने के बाद आज इस तरह सा मेरा समोसा बना है। तो देखिए मैंने इस आटे को इस तरह से रोल किया है और छोटे छोटे पीस में कट करके ले लिया है, और इस तरह के एक एक पेड़ा करके हमें इसे बना कर रख देंगे, और पूरी जैसा हमें इसे इसी तरह बनाएंगे और इसे कट करेंगे बीच में से, और इसको कौन शेप हमें देना है, कौन शेप देकर आप इस फिलिंग को भर दीजिएगा इसके अंदर, और साइड पर साइड से आप किनारों से आप पानी को चिपकाइएगा इस तरह से, और इस साइड साइड से भी आप पानी को इसे चिपकाने के लिए ले लीजिएगा। तो मैं इस तरह सा कॉर्नर रेडी किया है, अभी फिलिंग हम इस पर भरेंगे और इसे अभी हम गर्मा गर्म तेल में डालकर इसे हमें फ्राई करके लेना है, लो फ्लेम पर, लो टू मीडियम फ्लेम रखना है और इसे फ्राई करेंगे। बहुत ही टेस्टी और सिंपल सा रेसिपी है। आजकल जो बाहर से हम कुछ लेकर खा नहीं सकते हैं, तो हम बच्चे को इसी तरह बनाकर घर पर दे सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें अच्छे से हमें गर्मा गर्म तेल में डालकर इसे हमें फ्राई करके ले लेंगे। बहुत ही बढ़िया समोसा यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स ज़रूर मुझे बताइएगा, फीडबैक ज़रूर बताना आपको कैसा लगा रेसिपीज। अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप में से कोई नए हैं जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो फिर मिलेंगे नए नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।